तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो गया है लगभग आपका 3:15 हो रहे हैं और बुकिंग ढूक रही है। ये तो इस साइड तो अभी जाना नहीं, एयरपोर्ट साइड का बुकिंग आ रहा है। तो चलो करते हैं ड्यूटी को ऑन और निकलते हैं मेन रोड की तरफ, देखते हैं आज का बाजार कैसा रहता है। गाड़ी अपनी साफ़ सफाई कर ली है बाहर से। तो गाइस फर्स्ट राइड मिल चुका है जो कि कांसीपुर से पिकअप है और जाएगा तपस्या साइट। तो चलते हैं कस्टमर को करते हैं पिकअप। तो गाइस कर लिया कस्टमर को पिकअप, अब निकलते हैं तपस्या साइट, देखते हैं वहां से क्या होता है। तो गाइस कर दिया कस्टमर को ड्रॉप और वेट कर रहे हैं यहां पे कोई बुकिंग का। तो गाइस एक तो और बुकिंग मिल चुका है और 200 रुपये में फेयर एक्सेप्ट हुआ। 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल मिलाकर, ठीक ही है फेयर। और एसी में बुकिंग है तो कस्टमर के लोकेशन पे आ गए ब्लॉक 2 पे। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, कस्टमर बोला आता हूँ। तो गाइस कर दिया कस्टमर को ड्रॉप और एक बुकिंग और मिल गया जो बालानगर जाएगा, 400 रुपया फेयर हुआ है। तो चलते हैं कस्टमर को पिकअप करते हैं, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है कस्टमर। तो गाइस कर लिया कस्टमर को पिकअप और निकल ले यहाँ से बालानगर की तरफ, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गाइस आ चुके हैं पाइकपाड़ा में, बालानगर से गए थे बुकिंग को लेकर सोधपुर, सोधपुर से फिर आए क्या नाम है बालानगर की साइड, फिर वहाँ से फिर दोबारा आए हैं कोलकाता स्टेशन की तरफ। और अभी टाइम हो गया है 10:40 और अभी कोई बुकिंग नहीं मिला, 1 घंटा का ऊपर हो चुका है। तो देखते हैं थोड़ा देर और वेट करेंगे, उसके बाद कोई बुकिंग मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा घर। हमारा तो एंड ड्राइव में देखो सेव कर ले कि नहीं। नहीं किया। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद एक तो बुकिंग मिली है जो कि एंड ड्राइव में मिली है। बालानगर साइड जाएंगे और टाइम हो रहा है रात के 10:30 बज चुके हैं, 10:30 क्रॉस हो चुके हैं। तो चलते हैं कस्टमर को पिकअप करते हैं, कस्टमर है सांबेर की साइड में। ट्रैफिक होगा बहुत बुरा क्योंकि लॉरी छूट गई है, सांबेर साइड में ट्रैफिक रहेगा। चलते हैं कस्टमर को करते हैं पिकअप और उसके बाद ड्रॉप करने के बाद ब्लॉग बनाएंगे, वहां से क्या करना है नहीं करना है। तो गाइस आ चुके हैं बालानगर में और बालानगर से एक तो बुकिंग ऑफलाइन मिली थी जो कि हावड़ा स्टेशन के जाने की बोली थी। तो चलो उसको लेके जा रहे थे तो रास्ते से आधे रास्ते से घूम के आया, वो बोल रहा है कि मेरा ट्रेन कल का है। तो 400 का उसका भी हो गया है, हाफ डाउन कर लिया, हावड़ा नहीं गया, हावड़ा से मतलब 5-5, 10 किलोमीटर हाफ डाउन हुआ था, 400 रुपया उससे फेयर ले लिया। और अभी उसके बाद एक तो इन ड्राइव में एक तो बुकिंग रुकी है जो कि बेलगचिया साइड आएगा, तो उसको जा रहा है पिकअप करने के लिए। 190 का फेयर हुआ, वो भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 4-5 किलोमीटर टोटल है। तो चलते हैं कस्टमर को करते हैं पिकअप। तो गाइस उस पैसेंजर को भी उतार दिया और अपनी गाड़ी आकर धो धाल दी, साफ सफाई कर दी गाड़ी को, एकदम चमका दिया गाड़ी। और ब्लॉक को करते हैं एंड, एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉक के साथ। और हमारे साथ अभी साहिल बैठा हुआ है, ये देखो इसने बेचारे ने गाड़ी धुलवाई है बहुत मेहनत करके, गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी में गाना बजा रहा था, बहुत मेहनत करी इसने, गाना बजा रहा बना के सुना करी। चलो तो करते हैं इस ब्लॉक का एंड, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट और अल्लाह हाफिज। अरे चैनल की तो बोल दे, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब कौन करेगा, वो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो जो डेली डेली अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाए आप लोगों के लिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट और कल एक टेक केयर। और कल एक तो ट्रैफिक में आप लोगों को कोई वीडियो देने वाला हूँ जो कि ओला उबेर चलाने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बताता हूँ मैं कल के ब्लॉग में।